अब सब तरह की दिक्कत आ रही है, हमको डर भी लगता है, सियाने बच्चे हैं हमको, और हमको खाने पीने को भी नहीं मिलता, ना कोई दूध, नहीं दाल, नहीं कुछ नहीं मिलता हमको। रात को भी सोते हैं तब भी डर लगता है, रोड के साथ मकान है, कैसा आएगा कोई, क्या होगा, सुबह क्या होगा, मन में भय रहता। पहले हमारा बढ़िया काम था, अब तो 0/0 है। जिस दिन से कर्फ्यू लगा उस दिन से तो दुकान ही बंद होगी सारी, और लगभग जमींदार ज़्यादा परेशान है, मजदूर तरह परेशान है, क्योंकि जो लोग सवेरे कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनके पास कोई खाने के लिए साधन भी नहीं रहा है। दो दिन पहले 31 तारीख को जिस तरीके का माहौल था, कैसा माहौल था यहाँ के, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? बहुत माहौल खराब हो जी, बहुत बुरो हाल हो, हमको डर लगता है, और ऐसी बात है कुछ खाने पीने को नहीं, हमारा कोई धंधा पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब जब तो हमारे चले जाते तो ले आते कोई बाजार घाट, अब बिल्कुल बैठे हैं कुछ ना साग ना सब्जी नहीं, कोई पैसा ना देली नहीं, कोई चाय ना पानी नहीं, तो हाँ मजूरी करते हैं, रोज लाते रोज खाते हम। तो अब किस तरीके की दिक्कत आ रही है? अब सब तरह की दिक्कत आ रही है, हमको डर भी लगता है, सियाने बच्चे हैं हमको, और हमको खाने पीने को भी नहीं मिलता, ना कोई दूध, नहीं दाल, नहीं कुछ नहीं मिलता हमको, बाजार नहीं घाट नहीं, हम घर से ही नहीं निकलते, डर बहुत भारी दुसरा पर हमारे, और बहुत माहौल खराब है वादन, और अब भी हमको कोई मजदूरी नहीं लग रही, घर से ही नहीं जा रहे तो कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से लाएंगे हम। और खुल रही है, राशन कहीं से मिल रहा है? राशन वाशन की आपको दिक्कत आ रही है कहीं से, जो राशन आप लोग लेकर? नहीं मिल रहा, दुकान भी नहीं खुलनी, कहीं नहीं खुलनी, कल एक आध खुली भी नहीं, एक आध देर तो पुलिस ने बंद करवा दी, जब उन पर राशन भी नहीं मिल रहा, उन पर कुछ भी नहीं मिल रहा, दूध दार भी नहीं मिल रहा बिल्कुल, डेयरी नहीं बंद, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं मिल रहा, आटा मिल रहा ना दूध, नहीं कुछ नहीं, और कोई मजदूरी नहीं मिल रही, अब हम यहाँ बैठे हम परेशान है, चार बच्चे हैं कहाँ से खवावें, वो तो हम रोज लाते, कोई गाड़ी घोड़ा मिल जाते तो उतार लेते, कट्टा मट्टा ऐसे करते हम, बहुत तंग है मजदूरी। ओमवती जी, आप अब जा रहे हो सवेरे सवेरे, इतने जा रहे हो किस लिए, किधर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? प्लॉट पे पशु पालते हैं। अच्छा, तो पशु पालने के अलावा और क्या करते हो, किस तरीके के काम करते हो? अब जिस तरीके से यहाँ का माहौल था दो दिन पहले, तो उसमें किस तरीके का डर का माहौल था, किस तरीके खाने की व्यवस्था हो पा रही है? खाने वाने की व्यवस्था का बस ऐसा ही है, जैसे घर में नहीं सब्जी मिल रही है तरीके से, नहीं कुछ राशन में, सब चीज़ में दिक्कत तो आ ही रही है, बाहर जा रहे हो उसका भी भैसा, अब जैसे सुबह जा रही हूँ तो ये भी डर लग रहा है कभी कोई पीछे से कुछ आने जाए, डर का माहौल बना हुआ है, और बच्चे ने भी बाहर नहीं भेज रहे। तो खाने के दूध की किस तरीके से हो रहा है? राशन तो ऐसा है जैसे पहला कुछ है, और आज बोला है भाई आज तक वो खुल जाएंगे, राशन की दुकान खुल जाएंगे, देखो कुछ करेंगे जैसा होगा, लेकिन डर का माहौल तो बना हुआ है काफ़ी, रात को भी सोते हैं तब भी डर लगता है, भाई रोड के साथ मकान है, जन कैसा आएगा कोई, क्या होगा, सुबह क्या होगा। तो मोहल्ले में सब्जी मंडी वगैरह कहीं लग रही है? मोहल्ले में नहीं, बोला जो जाके आप ले सकते हैं इतने टाइम से, इतने टाइम तक नहीं, फिलहाल नहीं, मोहल्ले में नहीं लग रही। लोकेश, आप क्या करते हो? मैं रेहड़ा चलाता हूँ जी। रेहड़ा चलाते हो, तो घर में बच्चे हैं? बच्चे हैं, दो लड़के हैं जी। तो उनके दूध की व्यवस्था या आप किस तरीके से कर रहे हो, पहले कैसे होता था? पहले मैं 1 किलो दूध लाता था, अब मैं आधी किलो दूध ला रहा हूँ। पहले सामान आ जाता था, अब सामान नहीं आ रहा बिल्कुल भी, थोड़ा मजदूरी नहीं है, मैं तो अपने वही हिसाब से खर्चा चला रहे हैं। कैसे मजदूरी नहीं हो पा रही है? क्या मजदूरी, ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही, गाड़ी नहीं वगैरह नहीं आ रही, रेहड़ा कहाँ से चलेगा हमारा, जो ये दंगा हुआ उसकी वजह से? हाँ जी, और नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमको तो। अच्छा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले जो करती थी, आप अब तो बिल वर्कर पैसा कमाने वाले डेली हैं? हाँ, डेली कमाने वाला हूँ मैं तो, हाँ किसी दिन दो कट रहा है, क्योंकि सामान भी लाना होता है, जैसे डेली पैसा लाते हैं, हाँ, तो बाहर से मार्केट से सामान भी लाना है, पहले से और अपने क्या डिफरेंशिएट? बहुत ज्यादा फर्क है जी, मैं तो पहले तो कुछ ज्यादा सामान आ जाता था, अब तो थोड़ा थोड़ा करके ला रहे मैं तो, उसी हिसाब से जैसे पैसा रखा है घर में उसी हिसाब से ला रहे हैं। परेशानियाँ बहुत आ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। चरण सिंह जी, किस तरीके की आपको परेशानी हो रही है इसके दंगे के बाद, क्या कहना? परेशानी तो जी हो ही रही है जी, दूध की परेशानी है बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी परेशानी, जो मेन परेशानी है जी, एटीएम बंद पड़े हैं जी, बैंक बंद पड़े हैं जी, अब खर्चे के पैसे नहीं है जेब में, तो परेशानी परेशानी है
सब तरह की परेशानी, जब पैसा नहीं है तो खर्चा कहाँ से होगा, कहाँ से गुजारा होगा गरीब आदमी का। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है जी, एटीएम अगर खोले जाए तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो अपने खर्चे के पैसे तो निकाल ले आदमी, नहीं तो भूखे मरने की कगार पर पब्लिक आ रही है, ये समस्या है जी। सिंह जी, यहाँ हमने देखा डेली वर्कर्स ज़्यादा हैं जो रोज़ के काम करके पैसा लेके आते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एटीएम आपने जैसे अभी बताया बंद है, तो जो रोज का पैसा लेके आ रहे हैं उनके पास इनकम की सोर्स बंद हो चुका है, अब एटीएम भी बंद हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, अगर आपको एक्सपीरियंस कोई शेयर करना है। उनकी तो जी बहुत परेशानी में, रोज़मर्रा की है, उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही, बेचारे घर पर बैठे हैं, एक दूसरे के मुँह को ताक रहे हैं, एक दूसरे से मांग भी रहे हैं, बहुत परेशानी है जी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। तो जी तो यही सबसे मोटी परेशानी है जी, ना तो कोई मजदूरी मिल रही है जी उनको, और एटीएम की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ये अगर ये खोले जाएँ थोड़ी बहुत देर के लिए, घंटे दो घंटे के लिए, तो आदमी अपने खर्चे के पैसे तो ले आए, अब बच्चों में परेशानी, हर तरह की परेशानी है, तो थोड़ी देर के लिए खोले जाए, मत मेरे कहने का ये है तात्पर्य। दुकानें वगैरह क्या खुल रही हैं आसपास कहीं, जिससे आप सामान ला सकें या राशन घर का कहीं ला सकें, कहीं से ला सकें, ऐसा कोई दुकान खुल रही है क्या? नहीं खुल रही, दुकानें नहीं खुल रही, बाकी मोहल्ले की छोटी दुकानें हैं, इन पर से ले आते हैं थोड़ा थोड़ा करके अपना गुजारे लायक, जैसा भी मिलता है सामान उस हिसाब से। शेर सिंह जी, आप इतनी सवेरे सवेरे जा रहे हैं डोली लेके, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? मैं दूध लेने जाता हूँ जी, पहले नंगली जाता था, डर की वजह से वो नंगली छोड़ दी। किलोमीटर पड़ता था नंगली, पड़ता है 2 किलोमीटर। अच्छा, पैदल ही जाना, पैदल ही आना, डर की वजह से छोड़ दिया। अब यहाँ से लेता हूँ, यहाँ भी दूध 4:30 खड़ जाता है, लेट जा रहा हूँ डर की वजह से, और कुछ बात नहीं है, वैसे मन में भय रहता है। पहले कितने बजे जाते थे? पहले 4:30। 4:30 बजे जाते थे? 4:30 जाता था, अब डर की वजह से मैं लेट जा रहा हूँ दिन के उजाले में। तो कितनी दिक्कत आ रही है आपको दूध लेने के लिए? दूध लेने की दिक्कत यही है भाई, जब जल्दी उठते हैं तो जल्दी दूध लाना पड़ता, आगे खड़ा जाता है, मिल जाता है, संतुष्ट हो जाती है, अब क्या पता पानी मिला है नहीं मिला है, हाँ इसलिए लेट ही जाना पड़ता है डर की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कर्फ्यू से आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है? कर्फ्यू में लगा हुआ है, कर्फ्यू से भाई दुकानदारी खराब हो रही है, ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदारी खराब हो रही है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हम, ये परेशानी है, और कोई वैसे कोई परेशानी नहीं है। अगर रोज कमाने वाले हैं तो पैसा कहीं ना कहीं रोज का ही आता होगा? रोज कमाने वाले हैं, रोज खाते हैं जी, क्या करें। और क्या दिक्कतें, हॉस्पिटल्स की दिक्कत आ रही है, दुकानों की दिक्कत, मेडिकल दवाई नहीं मिल रही है, हम मरीज हैं, मेरी मिसिज मरीज है, शुगर की मरीज है, तो दवाई नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से कल हाथ जोड़ जोड़ के दवाई दुकान खुलवाई, फिर दवाई दिलवाई थी, तो दवाई की परेशानी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी। राशन वाशन की दिक्कत अगर कुछ? राशन फिलहाल तो नहीं दिक्कत है जी, वैसे प्रशासन ने बोल दिया कि खुल जाएंगी दुकानें 12 से 3, तो उसकी दिक्कत है, और कोई वैसी कोई दिक्कत कोई नहीं। हीरालाल जी, आप क्या काम करते हो? हम सब्जी का काम करते हैं जी। और सब्जी जब अब तो 2-3 दिन हो गए बंद पड़ी है, जब कोई बच्चा भी नहीं आ रहा है मंडी के अंदर, और हम तो जी सुबह लगाते हैं, अपने शाम को बच्चे के लिए, गरीब आदमी है अपने, जब कोई आएगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, ऐसे कोई नहीं आ रहा मंडी के अंदर, हम सब्जी कहीं से ले भी जाते हैं तो वो पड़ी पड़ी सारी वो हो जाती है खराब, क्या करें, और बताइए क्या करा जाए। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी इतनी हो रही है जी, हम जब कुछ हम पैसे नहीं आ रहा था, हम कहाँगे कहाँ से, खर्चा कहाँ से चलाएंगे, पैसे ही नहीं आ रहा तो हम खर्चा कहाँ से चलाएंगे, और कोई हमारे काम नहीं है, सब्जी का ही काम है, क्या करा जाइए, और बताइए। नुकसान हो रहा है सब्जियों का, जो सब्जियां लेकर आते हैं आप, जब बिक नहीं रहे हैं तो सब्जियों का नुकसान हो रहा है? वो नुकसान हो रहा है, वो सब कोई आता था नहीं मंडी में, वो सारी वो पड़ी रह जाती है, फिर वो दूसरे दिन हमको फेंकनी पड़ रही है, इतना बुरे हालात हुए पड़े हैं, क्या करा जाए आप बताइए। और अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा रोज कमाना है, रोज खाना है, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स जा रही होंगी, जो बचत पैसा है वो जा रहा होगा, और वो भी करें तो लोगों से पता चल रहा है एटीएम यहाँ पे नहीं खुल रहे हैं, तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। एटीएम का पब्लिक पे पैसे ही नहीं है पहली बात तो, और सुबह हम कमाते हैं थोड़ा बहुत आता है तो उसका हम बच्चे का पेट पालन कर रहे हैं, और तो कुछ है धंधा है नहीं यहाँ पर। मेरा नाम टेकचंद मोहनिया है और हम सब्जी का काम करते हैं। हमारा जो कर्फ्यू लगाए जो झगड़ा हुआ है, इसमें हमारा सारा माल खराब हो गया, जमींदारों को जो माल आता है, क्यों अचानक ये बात फैली कि भाई झगड़ा हो गया है,
उठाए सरकार ने, जैसे एहतियातन के तौर पे कर्फ्यू लगा दिया, उसमें जमींदारों की जो सब्जी रखी हुई थी वो लगभग सारी खराब हो गई। और हमने डी साहब से कहा, रिक्वेस्ट करी कि भाई इसको थोड़ा सा ढील दी जाए, तो साहब ने, डी साहब ने सभी आदमियों को बुला करके एक मीटिंग ली। मीटिंग में सबसे ही कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा जो ढील दी जा रही है उसमें आप अपनी दुकानें खोलो और लोगों को तसल्ली दो कि भाई आगे कोई ऐसी झगड़ा ना हो और माहौल सही चले। जिससे पहले किस तरीके का, अब कितना फर्क पड़ा है? पहले हमारा बढ़िया काम था, अब तो 0/0 है। जिस दिन से कर्फ्यू लगा उस दिन से तो दुकान ही बंद होगी सारी, और लगभग जमींदार ज़्यादा परेशान हैं, मजदूर तरफ परेशान हैं, क्योंकि जो लोग सवेरे कमाते हैं और शाम को खाते हैं उनके पास कोई खाने के लिए साधन भी नहीं रहा है। लोग सारे मारे मारे घूम रहे हैं, और प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके इसको सही मायने में लाया। पहले इनकी भीड़ की मंडी परिसर है, इसमें कितनी भीड़ हुआ करती थी? अब चंद लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है? पहले हजारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ होती थी सवेरे के टाइम, और अब 100 आदमी भी नहीं है इस मंडी के अंदर, तो हालात ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं। इसलिए हम तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि ये माहौल को शांतिप्रिय बना करके आगे जो गरीब तबका है उसको राहत दी जाए।